यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन हमारे लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह उत्तर भारत के किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया पहला बॉन्ड है। उत्तर प्रदेश के नगर निकायों की कार्य पद्धति में रिफॉर्म की दृष्टि से यह एक क्रांतिकारी कदम है। मुंबई यात्रा के दौरान बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि नगर निगम बॉन्ड जारी करने से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, बल्कि जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में शासन की प्रतिबद्धता पर भी हम खरा उतर पाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत की यूपी फिल्म सिटी की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम यहां कुछ लेने नहीं बल्कि एक नई फिल्म सिटी बना रहे हैं, क्योंकि कोई इसके बारे में चिंतित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी होगी और बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। जो सुविधाएं दे पाएगा लोग वहां जाएंगे और उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। आपको बता दें कि संजय राउत ने यूपी में फिल्म सिटी निर्माण पर कहा कि मुंबई फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत में फिल्म उद्योग भी बड़ा है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है। क्या योगी जी इन स्थानों पर भी जाएंगे और वहां के निर्देशकों और कलाकारों से बात करेंगे, या क्या वह केवल मुंबई में ही ऐसा करने जा रहे हैं? मुंबई यात्रा के दौरान बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं, उसके कारण पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रदेश में हुआ है। शासन की कार्य पद्धति में पारदर्शिता और शुचिता के कारण लोग भी उत्तर प्रदेश में और अधिक निवेश करने के इच्छुक हैं। इसको लेकर आज हमारी अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी के निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। इस विषय में फिल्म जगत से जुड़े निर्माताओं, निर्देशकों, एक्टरों और फिल्म जगत से जुड़े विभिन्न पक्षों के जानकारों के साथ हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित रखने के साथ ही अब अधिक निवेश के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाने की दृष्टि से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यूपी में फिल्म सिटी निर्माण के लिए ना तो हम किसी के निवेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ना ही हम किसी के विकास में बाधा डाल रहे हैं। हम सभी का उद्देश्य देश की इकोनॉमी उन्नति करे और निवेशक आकर्षित हो, क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके आधार पर कोई भी निवेशक कहीं भी निवेश करने का फैसला कर सकता है। यह सरकार में विश्वास के बारे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को यदि देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश की तरफ देखना ही पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक टूरिज्म ही नहीं है, इको टूरिज्म भी अपार संभावनाएं हैं। ये सभी अवसर फिल्म जगत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ फिल्म सिटी कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी नया अवसर देगी। उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। यूपी सरकार यूपी के लगभग सभी कमिश्नरी मुख्यालय से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देने जा रही है। आज प्रदेश में 7 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं और 14 पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास चाहेगा तो वह अपने आप दूर होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति का तो पता नहीं, लेकिन यूपी में तो जितनी भी दुर्दांत अपराधी और माफिया थे उनको घरों पर बुलडोजर से ढहाकर विदा करने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राम का नाम 2 बार लिया जाता है, एक अभिवादन के लिए और दूसरा अंतिम विदाई के समय। हम उत्तर प्रदेश में सज्जनों का संरक्षण करेंगे और दुर्जनों का राम नाम सत्य है कि साथ विदाई करेंगे।
फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN News।